mostly confined within her family and home boundaries, but her mind was so alive that through reading, it is said somewhere that reading is like a window to the outer world. For Jyotirmayi Devi, it was so. She read everything she could get. Somewhere in her autobiographical writing, she says this, that I started reading whatever I could get, I read. And she was not interested in stories or poems alone, she read the political articles, especially writings centering around women. Even sitting in a room, even not going outside much, she saw the position of Indian women in our society so truly, and many of her findings about the status of women in Indian society we find even more relevant today than in her time. So, I have always liked to think of Jyotirmayi Devi more of an Indian writer. She has widened our vision. पुनः बंगाल वापसी से पहले ज्योतिर्मयी देवी ने एक लंबा अरसा राजस्थान में ही गुजारा, इसलिए उनकी अधिकतर रचनाओं में हमें राजस्थान की जीवन यात्रा की झलक मिलती है। उन्होंने राजकीय एवं अभिजात्य जीवनधारा के साथ साथ समाज के पिछड़े वर्ग एवं नारी जीवन के विभिन्न पहलुओं को अपने लेख में उभारा। उनकी कृतियों ने न केवल बंगला साहित्य को समृद्ध किया बल्कि इससे बंगला साहित्य की भौगोलिक सीमा का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ। राजस्थान की कहानियों में मैंने अरावली की कहानी पढ़ी, उसमें धापी बाई नाम की कहानी पढ़ी। नारी की कितनी व्यवस्था थी। धापी बाई एक दरोगा की लड़की थी, इसलिए उसे बाध्य होकर बिकना पड़ा, जब उसकी और सहेलियों को बिकना पड़ा और वो वहाँ चली गई और फंस गई वहाँ, उसी तरह से दासी बनाए जाने के लिए, जिसे उसने स्वीकार नहीं किया। अपनी सारी विद्रोहपूर्ण भावना को जो राजस्थान की महिला में हो सकती है, उन्होंने धापी में देखा। धापी ने अपने प्राण दे दिए लेकिन किसी तरह भी दासी बनना स्वीकार नहीं किया। ज्योतिर्मयी देवी की डायनी नामक कहानी में हम उस युग में नारी पर होने वाले निष्ठुर अत्याचारों का सजीव चित्रण पाते हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में समस्याओं की निदान की ओर भी इशारा किया है। कौन हो तुम लोग? इसके ससुराल वालों ने इसे डायन कह के घर से निकाल दिया है। दरअसल ये डायन नहीं है, वैद्य जी कहते हैं ये बीमार है। होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन तुम लोग जा कहाँ रहे हो? मैं इसकी सहेली हूँ, इसके पीहर में कोई भी नहीं है। हम इसके मामा के यहाँ गलता जा रहे हैं। इसके मामा कौन? मैं भी तो गलता का रहने वाला हूँ। इसके मामा नहीं है, मामी है, नाम रत्नी बाई और जात की ब्राह्मण। रत्नी बाई? गांव में तो तीन चार रत्नी बाई। बाबस्ता, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, इसे गलता तक ले जाओ, तब मुझे नहीं जाना पड़ेगा। रास्ते में शेर है, पहाड़ है, जंगल है, हम कहाँ भटकते फिरेंगे। इसे ले जाओ बाबस्ता, इसे ले जाओ। ठीक है, आओ बेटी, पहले घर चले।
अजी सुनती हो? अरे किशन, अरे कहाँ हो तुम? जा बेटा, कुआं उस तरफ है, बेसहारा लड़की है, आज रात यहीं रहेगी। तू जरा इसके हाथ मुंह धुलवा दे और फिर रोटी पानी भी करवा दे। अब ये यहीं रहेगी क्या? रहेगी क्यों, कल ही रत्नी भाई इसकी मामी के यहाँ ले जाऊंगा। दरअसल इसके धनी की माँ इसकी सौतेली सास है और बेचारी का आदमी फौज में सिपाही। ये जानते हुए भी कि ये डायन है, इसे घर में रखोगे? अरे इसे बार बार डायन डायन क्यों कह रही है? वो बेचारी तो बीमार है। तुम्हें ठीक से मालूम है क्या, मैं तो उसे घर में नहीं रखूंगी, मेरा बेटा अभी छोटा है। अरे लड़की को देखकर तुझे समझ नहीं आ रही क्या, वो तुझे डायन लगी है और फिर रात भर ही की तो बात है। चल जा, जाके उसे रोटी पानी खिला दे, मैं मुंह हाथ धोकर आता हूं। गाँव में तीन तीन रत्नी बाई है लेकिन उसकी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। गरीबी में कौन किसका बोझा ढोता है? सोच लो, बड़ी अच्छी लड़की है, अपनी पोती समझकर ही रख ले। लक्ष्मी कहाँ है? वो किसी काम से बाहर गई है, तुम अंदर जाओ, छोरे को ताप है। ताप? अरे अच्छा भला छोड़कर गया था, ये अचानक ताप कहाँ से आ गया? बहुत तेज ताप है रे, लक्ष्मी कहाँ है, बैद के पास? बापू, माँ ने बहन को डायन समझकर घर से निकाल दिया। डायन समझकर घर से बाहर निकाल दिया? ठहर तो, अरे तूने इस लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दिया? इस अनजानी सी जगह में छोटी सी छोकरी को घर से बाहर निकाल दिया? मैंने आते हुए सुना आस पास बाघ है, बाघ। उस छोरी के आते ही मेरे अच्छे भले छोरे को ताप चढ़ गया। अरे उसकी बुरी नजर लगी है उसे, पड़ोसियों ने कहा भी था कि उसे घर में मत रखो, अरे वो डायन है, डायन। मेरा बेटा पहले है कि तुम्हारी वो लाडली डायन? घबराने की बात नहीं है बेटी, किशन देख तेरी बहन आ गई रे। राम राम बापू। अरे बापू, राम राम, राम राम। जीता रे बेटा। राम राम बापू, ये मेरा वही दोस्त है जिसके बारे में लिखता रहता था। अरे बागवान देख कौन आया है। जीता रे बेटा। बापू आज रात ही हमारा मेहमान रहेगा, कल चला जाएगा। अरे आज रात ही क्यों बेटा, पूरे 7 दिन रुकेगा ये यहाँ पे। अरे तू बच्चों के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम तो कर। आ बेटा बैठ। क्या नाम है बेटा तेरा? जी
मेरा नाम गोविंद राय है। और गांव? बापू ये घाट दरवाजे में रहता है। घाट दरवाजे? हाथ मुंह पहले धो गए या नाश्ता वास्ता करेगा बिना हाथ मुंह धोए? चलो हाथ मुंह धो ले। अच्छा अच्छा भगवान की लीला भी कितनी अजीब, लक्ष्मी के धनी को यहीं पर भेज दिया। मैंने गोविंद को दूसरी कोठरी में सुला दिया है और लक्ष्मी को भी वहीं भेज दिया। अच्छा किया तूने। पर मैं सोचू हूँ कि उसको तो सभी डायन डायन कहते हैं, क्या उसका धनी उसे अपने घर में रखेगा? पानी आओ, आओ ना यहाँ बैठो। मैंने तो तुम्हें रास्ते में ही पहचान लिया। लेकिन तुम यहां, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब सारी बात समझ में आई तब पता चला। खैर कल ही हम दोनों अपने गांव चलेंगे। अब हवलदार की बीवी को कोई भी डायन कहने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। क्यों, ठीक है ना? जब से उन्होंने लिखना शुरू किया, तरह तरह की चीजें लिखी, लिखती थी कविता में, कहानी में, लेखों में, जीवनी में, हर जगह हम देखेंगे जब वो लिख रही हैं, उसके लिखने के सारे शब्दों के अंदर एक उनकी ऐसी भावना निहित रहती थी कि जीवन में कैसे नारी सुसंगठित, सुदृढ़ और मजबूत होकर अपने आप को बना सके। क्योंकि उन्होंने इतने संघर्ष किए, 25 वर्ष की उम्र में इस हिंदू समाज में उस जमाने में विधवा होना एक इतना बड़ा वज्रपात था, उसे संभालना बहुत मुश्किल था। What was very remarkable was that a young woman of a traditional Hindu family, widowed at the age of 25, with 6 children to look after, could transform herself into such a powerful writer. And the involvement was through the larger national struggle in which she conceived of herself as a follower of Gandhiji and went on to become a vice chairperson of the AIWC for a while. But it was mainly her pen with which she waged a lifelong battle against the social injustices prevalent in society. She was from the beginning fully aware of how necessary it was for women to have economic independence. That is what we find reflected in her first novel, Chhayapath, where the heroine Supriya refuses to marry out of a sense of compromise, to be compromised with false security and financial prosperity. ये सब तुम क्या कर रही हो सुप्रिया? देख ही तो रहे हो, कल सुबह जाना है इसलिए अपना सामान समेट रही हूँ। तुम कल सुबह ही चली जाओगी? कल मेरा स्कूल खुल रहा है, छुट्टियां खत्म, और रुकना मेरे लिए संभव नहीं। मैं यहाँ ससुराल का सुख भोगती रही तो वहाँ स्कूल की बच्चियों का बहुत नुकसान होगा। शादी के बाद तुम 2 सप्ताह भी नहीं रुकी, इस तरह अकेला छोड़कर चली जाओगी तुम, मुझे अच्छा लगेगा क्या? मुझे भी कौन सा अच्छा लगेगा। तो फिर? फिर हम दोनों अपने मन को समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम जा ही क्यों रही हो, तुम्हें यहां कोई तकलीफ है? नहीं, तकलीफ कैसी, तुमसे तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तुम्हें नौकरी करने की जरूरत क्या है? तुम्हें तो मालूम है कि मेरी आमदनी काफी है, मैं जरूरत से ज्यादा ही कमाता हूं। मेरी समझ से मेरे लिए नौकरी करना जरूरी है। मेरा सब कुछ तुम्हारा नहीं है क्या? इन बातों पर अब बहस करना बेकार है, शादी से पहले इन बातों का फैसला हम कर चुके हैं। हाँ वो तो है, लेकिन मैंने सोचा था कि शादी के बाद तुम्हारे विचार बदल जाएंगे, शायद तुम नौकरी न करने के लिए राजी हो जाओगी। सुख, भरोसेमंद पति, उसकी कमाई का धन, फुर्सत में पत्नी को दिया गया प्यार, उनकी इच्छानुसार लगाए गए अंकुश,
ना जाने कितनी युगों से मानती चली आ